दोस्तों, रेलवे हमेशा से ही लोगों के मनोरंजन का केंद्र रहा है। चाहे वो सफर लंबा हो या छोटा, ट्रेन यात्रा हमेशा से ही कम से कम पैसों में आरामदायक होता है। दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे इस चैनल 3D आर्किफैक्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 सबसे लंबी रेलवे रोड के बारे में, और इस लिस्ट में हमारे भारत कौन से स्थान पर है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबी रेलवे रोड रूस में स्थित है। यह रोड रशिया के राजधानी मॉस्को से ईस्टर्न सिटी व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। 9298 किलोमीटर लंबी इस रोड पर यात्रा पूरी करने में करीब 7 दिन का समय लगता है। अगर भारत के वंदे भारत एक्सप्रेस को आप 160 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलाएंगे, तब भी इस रोड की यात्रा पूरी करने में करीब 58 घंटे का समय लगेंगे। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे लंबी रेलवे रोड कनाडा में स्थित है। टोरंटो टू वैंकूवर इस रोड की कुल लंबाई 4,467 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस रोड की यात्रा पूरी करने में 4 दिन का समय लग जाता है। इस रोड की यात्रा करने के दौरान आपको प्रकृति के सुंदर का नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे लंबी रेलवे रोड चाइना में स्थित है। यह चीन के शहर शंघाई को तिब्बत के लासा से जोड़ती है। इस रोड की कुल लंबाई 4,373 किलोमीटर है। इस रोड पर चलने वाली ट्रेनों को इस रोड की यात्रा पूरी करने में 2 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे लंबी रेलवे रोड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिडनी से पेर्थ को जोड़ने वाली इस रोड की कुल लंबाई 4,352 किलोमीटर है। इस रोड पर इंडियन पैसिफिक ट्रेनें चलती है, जो 4 दिन में अपनी यात्रा पूरी करती है। इस रोड पर चलने वाली ट्रेनें हिंद महासागर के तट से चलती है और प्रशांत महासागर के तट पर पहुंचती है। दोस्तों, इस रोड की यात्रा करने के दौरान आपको स्वर्ग जैसे नजारा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दुनिया का 5वां सबसे लंबी रेलवे रोड भारत में स्थित है, जो असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है। इस रोड की कुल लंबाई 4,236 किलोमीटर का है। इस रोड पर चलने वाली विवेक एक्सप्रेस को इस रोड की यात्रा पूरी करने में 72 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।